200 पॉइंट का टारगेट रखना है, 300 पॉइंट का टारगेट कैसे निकालेंगे, 400 पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसको समझो, ठीक है। जय हिंद गाइस, इस वीडियो के बाद आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज होने वाली है, नॉट थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में अपन जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, इससे पहले आज तक किसी ने नहीं बताई है, कोई और बता ही नहीं सकता, स्ट्रेटजी अपनी है। पहले आपको कहीं भी इसको देखने को नहीं मिली, यूट्यूब पर आपने कभी नहीं देखी होगी, कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपने देखी होगी, सुनी होगी, तो कमेंट करके बताना, यूट्यूब पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आप यकीन मानिए 10 से 15 मिनट की आई थिंक ये वीडियो बनेगी, और इस वीडियो में जो सेटअप डिस्कस करेंगे लाइव मार्केट में करेंगे, लाइव चार्ट पर समझेंगे। और जब आप चार्ट पर समझेंगे, समझने को तो आपको यूं बता दूं, आप यूं ही समझ जाओगे, लेकिन कैंडल के साथ जब आप थोड़ा इमेज के साथ देखोगे ना, तो आपको सेटअप अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये सेटअप इतना प्रैक्टिकल है, सबसे आसान है, इससे आसान स्ट्रेटजी मार्केट में आपको देखने को नहीं मिली होगी, आज तक कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। देखो, एक चीज समझ लो, आसान चीजों को फॉलो करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, तो यही आसान चीज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। और आप यकीन मानिए 10 से 15 मिनट आप इस वीडियो को लर्निंग के लिए दीजिए, और आज की लर्निंग आपके लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं, आप वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए। तो गाइज, अभी अपन आ चुके हैं चार्ट पर, और यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए क्या करना है हमें। हमें यूज़ करना है डेली का टाइम फ्रेम पहले तो, एक तो, और दूसरा हमें यूज़ करना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। ये देख लीजिए, लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है, सब कुछ लाइव मार्केट में सीखेंगे और समझेंगे, तो आपको ज़रा भी परेशान नहीं होना, बस पेशेंस के साथ वीडियो को ध्यान से देखते रहना है और समझते रहना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट का, अभी जो लगा हुआ है 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, अब यहाँ से थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लो, डेली टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे अपन, और अपन देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल क्या बनी है। तो अगर तो डेली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, एक बार बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। अगर तो डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, ये लीजिए, डेली टाइम फ्रेम पर प्रीवियस डे की कैंडल मतलब हमें देखनी है, ठीक है। जैसे ये होगी कैंडल, मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम की, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है, ये हो गई। अब अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल रेड है, ठीक है, इसको फिल करते हैं यहाँ से, लीजिए, अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल रेड कैंडल बनी है, ठीक है, रेड कैंडल, तो हमें अगले दिन डाउन साइड का ट्रेड लेना है, यानी पुट साइड का ट्रेड देखना है। लेकिन अब देखो, यहाँ जल्दबाजी मत करना, तो हमें डाउन साइड का ट्रेड देखना है, लेकिन पहली कैंडल, फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनेगी, ठीक है, समझ में आया, अभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, ग्रीन होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, एक बार बनाते हैं कैंडल, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर इसको ग्रीन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गई ग्रीन कैंडल, ठीक है। सिंपल समझ लो, इसको लिख लो आप कहीं पे, पिछले दिन की प्रीवियस डे की डेली कैंडल अगर रेड है, ठीक है, तो हमें पुट साइड का ट्रेड लेना है, डाउन साइड का ट्रेड अपन प्लान करेंगे, ठीक है। और लेकिन अगर पहली 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी है तो, ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। पुट साइड का अभी हमने समझा है, पुट साइड की एक कंडीशन हमने देखी कि प्रीवियस डे की कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है, प्रीवियस डे की कैंडल रेड होनी चाहिए, और अगले दिन की फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, तो हम डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, उसके बाद जो है अपन और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। कॉल साइड का भी देखना है, तो यहाँ पर देखो, ये डेली टाइम फ्रेम पर आ गए, डेली टाइम फ्रेम पर आ गए। अब यहाँ पर अपन देखें, कहीं से भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये कैंडल रेड हो गई 5 अगस्त की, ठीक है, इसको यहाँ से मार्किंग की है ताकि पहचान में आ जाए, ठीक है। अभी जो मार्केट चल रही है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, सब कुछ लाइव मार्केट में करके देखेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। अब पहली कैंडल हमें क्या चाहिए, रेड,
ये लीजिए पहली कैंडल रेड मिल गई, ठीक है। अभी आप कहेंगे पहली कैंडल अगर ग्रीन बनी है, जैसे यहाँ पर ये बनी है, तो आज क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, ये भी देखेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। तो इसीलिए बोला है कि पेशेंस के साथ सीखते रहो। पहली कैंडल मिल गई हमें रेड कैंडल, ठीक। तो अब ये हमें कंफर्म हो गया, हमें ये कंफर्म हो गया, अगर पहली कैंडल रेड मिल गई तो हमें ये कंफर्म हो गया कि अब हमें पुट साइड का प्लान करना है, ठीक है। पहली कैंडल रेड मिली तो पुट साइड का प्लान करना है, ठीक है। तो अब अगले दिन की मार्केट ओपन होने का वेट करेंगे, ठीक है। और अगले दिन पुट साइड कब चलेंगे, जब पहली कैंडल हमें ग्रीन मिलेगी, तभी हम जो है पहली 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी, अगर वो ग्रीन बनेगी तो हम पुट साइड का प्लान करेंगे। तो अब देखते हैं, यहाँ पर देखो ये हो गई 5 अगस्त की कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पर 6 अगस्त को देखो मार्केट डाउन साइड है, तो 6 अगस्त को देखते हैं क्या हुआ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और 6 अगस्त की पहली कैंडल देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दें ताकि जल्दी मिल जाए। 6 अगस्त की पहली कैंडल, 6 अगस्त ये है, 6 अगस्त ये हो गई, ये 5 अगस्त की मार्केट और ये 6 अगस्त। अब 6 अगस्त को पहली कैंडल यहाँ पर आप देख रहे हो क्या बनी है, ग्रीन। 6 अगस्त की पहली कैंडल ग्रीन बन गई, पहली कैंडल बन जाने देनी है, ठीक है, उसका इंतज़ार करना है, वेट करना है, ठीक है। अब पहली कैंडल ग्रीन बन गई, ओके। तो अब क्या करेंगे, सेकंड कैंडल जैसे ही ओपन होगी यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर वेट नहीं करना कि लो ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, नहीं, पहली कैंडल ग्रीन बन गई, अगली कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे अगली कैंडल ओपन होते ही। यानी पहली कैंडल क्लोज हो गई, ग्रीन अगर क्लोज हुई है तो हम जो है एंट्री प्लान कर लेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल लेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर टारगेट रखेंगे 200 पॉइंट का, 100 पॉइंट का। अब देखो कैसे करना है, 200 पॉइंट का टारगेट रखना है, 300 पॉइंट का टारगेट कैसे निकालेंगे, 400 पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसको समझो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया। अब जैसे ही हमें 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, ठीक है, 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट पर ले आएंगे जहाँ पर हमने एंट्री ली है, ठीक है। और उसके बाद अगला जैसे ही 100 पॉइंट मिलेगा, ठीक है, मान लीजिए अगला 100 पॉइंट आपको यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिल गया, ठीक है, तो यहाँ तक आपके हो गए टोटल 200 पॉइंट, ठीक। तो अब पिछले मतलब आप 100 पॉइंट का हम प्रॉफिट कर लेंगे, यानी अपना स्टॉप लॉस 100 पॉइंट पर रख लेंगे, सिंपल समझो, ठीक है। यहाँ बनाई हमने एंट्री, यहाँ रखा स्टॉप लॉस, और जैसे ही 100 पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर मिले, ठीक है, तो अब यहाँ से स्टॉप लॉस हटा करके, यहाँ से हटा करके यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे अब हमारा एसएल यहाँ पर है। और फिर अगले 100 पॉइंट अगर यहाँ पर मिले तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। और फिर अगर आगे और 100 पॉइंट मिलेंगे तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ले आएंगे। इस तरीके से हमें 100-100 पॉइंट को ट्रेल करते हुए चलना है, ठीक है। आम तौर पे 200 पॉइंट का टारगेट इसमें हमें रखना है, ओके। चलिए इतना समझ में आ गया, सिंपल है, आसान है, ठीक है। फिर से एक बार कंसेप्ट को रिपीट कर देते हैं, पिछले दिन की कैंडल अगर रेड है तो हमें पुट साइड प्लान करना है, लेकिन अगले दिन की कैंडल, पहली कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, पिछले दिन की जो प्रीवियस डे की कैंडल देखनी है वो डेली टाइम फ्रेम पर देखना है, ठीक। प्रीवियस डे की कैंडल अगर रेड है तो पुट साइड प्लान करना है, लेकिन पुट में एंट्री तभी लेंगे जब 15 मिनट की पहली कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। ये समझ में आ गया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं फिर से एक बार, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे ये रेड कैंडल बन गई, ठीक, तो अब हमें पुट साइड प्लान करना है। 6 अगस्त को रेड कैंडल है, अगले दिन 7 अगस्त को हमें पुट साइड प्लान करना है, लेकिन पहली कैंडल हमें 7 अगस्त को ग्रीन चाहिए। 15 मिनट पर आते हैं और 7 अगस्त की पहली कैंडल देखते हैं, ठीक है। 15 मिनट पर जो है पहली कैंडल देखेंगे, 7 अगस्त की पहली कैंडल ये हो गई, 6 अगस्त ये 7 अगस्त, ठीक है। 7 अगस्त की पहली कैंडल क्या बनी, रेड बनी, तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। पुट साइड की एंट्री हम तब लेंगे जब हमें पहली कैंडल ग्रीन मिलेगी, ठीक है। चलो डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, एक बार चार्ट को रिफ्रेश करते हैं।
कंडीशन समझ में आ गई, सिंपल है ना। आसान चीज़ें फॉलो करना ना थोड़ा मुश्किल होता है, जितनी आसान रहेंगी उतनी ज़्यादा चीज़ें मुश्किल आपको लगती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख लो, 5 सितंबर पहली कैंडल क्या है, ये प्रीवियस डे की डेली कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे रेड है, तो अगले दिन पुट प्लान करना है इस दिन, ठीक है। लेकिन पहली कैंडल हमें ग्रीन चाहिए, तो अब 6 सितंबर को देखते हैं क्या ग्रीन है पहली कैंडल। इसको कर दिया रिफ्रेश, और यहाँ पर ये 10 सितंबर और 9 सितंबर, एक बार ये 5 सितंबर की है ना, 5 के बाद ये 6 सितंबर, 6 सितंबर को जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें पहली कैंडल ग्रीन चाहिए, 6 सितंबर, ये देख लीजिए। सिंपल देखो, आपके सामने है, इस दिन मार्केट हमें रेड कैंडल में मिली, ठीक है, तो पुट का प्लान है, लेकिन पहली कैंडल अगले दिन 15 मिनट पर ग्रीन होनी चाहिए, तभी पुट में प्लान करेंगे। अगले दिन यहाँ पहली कैंडल देखो ग्रीन बनती है, ठीक है, आ गया समझ में, अब तो क्लियर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, लाइक करने में आपका पैसा नहीं लगना, बस अपन को मोटिवेशन मिलेगा। तो यहाँ पर ठीक है, ये ग्रीन बन गई, जैसे ही अगली कैंडल ओपन होगी यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के और यहाँ पर हम डाउन साइड का ट्रेड लगाएंगे। 100 पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर मिलते हैं तो अपना स्टॉप लॉस कोस्ट पे ले आएंगे, फिर 100 पॉइंट अगर मिलते हैं तो फिर यहाँ आ जाएंगे, मतलब 100-100 पॉइंट पे अपन ट्रेल करते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ में देखो, प्रैक्टिस करोगे ना, कोई भी सेटअप है उसको 20-30 बार पेपर ट्रेड करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस कोई सेटअप आपको समझ में थोड़ी आएगा एकदम से, ठीक है। तो आसान चीज़ों को समझने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। चलिए, ये हमने समझ लिया पुट साइड का, और टारगेट भी समझ लिया। देखो, टारगेट भी हमने समझ लिया कि टारगेट ये बड़े बड़े प्रॉफिट कैसे निकाल लेने हैं, ठीक है, और स्टॉप लॉस छोटा कैसे रखना है वो भी हमने समझ लिया। चलो अब देखते हैं कॉल साइड का, पुट साइड में, ठीक है, पुट साइड में और भी देखो, ये है पहला पार्ट वीडियो का, पहला पार्ट, इसमें और भी तरीके हैं एंट्री लेने के, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस वीडियो पर, आपने 1000 लाइक कर दिए, 1K लाइक चाहिए आपसे, नेक्स्ट पार्ट तभी बनाएंगे जब आप 1000 लाइक कर दोगे। चलो अभी कॉल साइड का समझ लो, पुट साइड का आपने समझ लिया, कॉल साइड का समझते हैं। कॉल साइड का सिंपल है गाइस, ठीक है, कॉल साइड की एंट्री के लिए सिंपल है कि प्रीवियस डे की कैंडल अगर ग्रीन है, ठीक है, प्रीवियस डे की कैंडल अगर ग्रीन है, जैसे ये हो गई, ठीक, ये हो गई प्रीवियस डे की कैंडल अगर ग्रीन है, जैसे ये हो गई, ठीक है, प्रीवियस डे की कैंडल अगर ग्रीन है, ठीक है, और फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनती है, ठीक है, अगली कैंडल अगले दिन मार्केट, मतलब पहली कैंडल ग्रीन है तो अपन कॉल साइड का प्लान करेंगे। लेकिन कब करेंगे, जब अगले दिन भी पहली कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार, जैसे ये हो गई, ठीक है, 8 अगस्त को है ये, 9 अगस्त को है, तो 8 अगस्त की कैंडल ग्रीन है, 9 अगस्त को पहली कैंडल अगर ग्रीन होगी तो हम एंट्री लेंगे कॉल साइड, 9 अगस्त की पहली कैंडल, ठीक है। चलिए, सिंपल सेटअप है, आसान है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखेंगे तो 9 अगस्त, ये 12 अगस्त हो गई, ये हो गई 7, ये हो गई 9 अगस्त, 9 अगस्त की पहली कैंडल रेड है तो इस दिन एंट्री नहीं लेंगे फिर, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं उसके बाद, और देख लेते हैं यहाँ पर, इसको एक बार रिफ्रेश कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये ग्रीन है, अगर पहली कैंडल ग्रीन मिली तो इस दिन जो है अपन अपसाइड का ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। जैसे आज की देख लो, ये कल की कैंडल क्या है, 9 सितंबर को ग्रीन कैंडल, अब अगले दिन अगर हमें पहली कैंडल ग्रीन मिलेगी तो हम अपसाइड का ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ये कैंडल है 16 अगस्त की ग्रीन कैंडल, ठीक है, 16 को ग्रीन है, 20 को ग्रीन है, तो इसमें 15 मिनट पर आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, आज वाले में देखें क्या, आज वाला देख लेते हैं पहले, आज वाले में पहली कैंडल हमें अपसाइड के लिए ग्रीन चाहिए, तो यहाँ पर देखो रेड बन गई है, तो इसमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये पहली कैंडल, इसमें तो रेड बनी हुई है,
16 अगस्त का है ना और 20 अगस्त का, तो 17 अगस्त को पहली कैंडल देखते हैं एक बार। 17 अगस्त को पहली कैंडल ये है 26 और ये 19 और यहाँ पर 16, ये 16 हो गई, ये 17, ये 19 है। तो 19 अगस्त को ग्रीन कैंडल देखी हमने, है ना, तो 20 को चाहिए ग्रीन कैंडल। अब 20 को अगर पहली कैंडल ग्रीन बनती है, ये देख लीजिए, ये 20 अगस्त की पहली कैंडल, तो आप साइड का ट्रेड लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देख लो पहली कैंडल, ठीक है, ये प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरीके से और देख लेते हैं, 17 का देखा है ना, 16 अगस्त को मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, ये पहली कैंडल रेड बन गई, तो अपन को ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंपल, किसी भी दिन का आप देख सकते हैं, ठीक है। आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, बस अगर समझ आ रही हैं तो लाइक करते चलिए। 16 अगस्त को देखा, 17 को नहीं मिली, ये देखिए 20 अगस्त को, हाँ ये 19, 20 को अपन को प्रॉफिट मिला है, नहीं ये 19 को जो है रेड कैंडल है, तो यहाँ पर जो है अपना ट्रेड नहीं बना है, ग्रीन वाला अपसाइड का। अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर अपना 20 अगस्त, 21 को भी ग्रीन है, 22 को भी ग्रीन है, तो 21, 20, 21, 22 यहाँ पर देखते हैं क्या बना है 20, 21, 22 में, ठीक है। 20, 21, 22, 20, 21, 22, 20 को ग्रीन है ना, तो यहाँ पर देखो ये है 20, ठीक है। अब अगले दिन ग्रीन चाहिए 21 को, तो अगले दिन रेड कैंडल है, तो नहीं लेंगे एंट्री। यहाँ पर जो है 22 अगस्त को फिर है, तो अगले दिन फिर रेड चाहिए, तो यहाँ पर फिर नहीं एंट्री लेंगे। और आप देख रहे हो जब एंट्री अब हमें नहीं मिल रही है, तो मार्केट भी कंसोलिडेट चल रही है, तो अच्छा है ना एंट्री नहीं मिल रही है। ये सेटअप बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत गजब का सेटअप है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो ना, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सेटअप है, आपको समझ में उम्मीद है चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर 1000 लाइक आपने कर दिए तो आप यकीन मानिए, ठीक है, आप अगर 1000 लाइक कर देते हैं तो इसका सेकंड पार्ट अपन अपलोड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपके इंटरेस्ट पर, आप जितना सीखना चाहोगे उसी हिसाब से आपको चीज़ें बताएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा, आप सीखना चाहते हो, तो फिर आपके लिए नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप टूई सेटअप सीखना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। टूई में क्या है कि राइट टाइम एंट्री कैसे लेनी है, राइट टाइम एग्जिट कैसे होना, ये हमारा फेवरेट सेटअप है, ठीक है। टूई स्ट्रेटजी, टूई सेटअप फेवरेट है। तो उम्मीद है ये सेटअप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका सेकेंड पार्ट भी अपलोड करेंगे। और अगर आप हमारी फेवरेट स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, टूई सेटअप की, राइट टाइम एंट्री कैसे लेना है, राइट टाइम एग्जिट कैसे होना है, एंट्री को फिल्टर कैसे करना है, ओवर ट्रेडिंग कैसे कम होगी, ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।